ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आपको सब कुछ टाइम पे मिलते रहे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाकी गाइस, अगर आप लोग ऐसे फोटो का एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम में टैग जरूर करना, क्योंकि यार आप लोग जब मेरे को वहाँ पे टैग करते हो तो गाइस मेरे को जिसका पोस्ट पसंद आता है मैं गाइस उसको अपनी स्टोरी में मेंशन करता हूं, तो प्लीज यार वहां पे टैग करना मत भूलना। एंड गाइस, इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बाकी चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। फिर गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, गाइस यहां से लेना गाइस आप सभी को अपने मॉडल को, ठीक है। तो मॉडल को लेने के बाद गाइस आपको यहां पे क्या करना है गाइस, अभी आप सभी को यहां पे स्मोक पे अपने मॉडल को रखना है। तो गाइस क्या करना पड़ेगा उसके लिए आप सभी को, पहले तो गाइस अभी मतलब कि जो भी है मैं आपको PNG भी बताऊंगा कैसे करना है। एंड गाइस अभी यहां पे थोड़ा सा आपको इरेज करके मॉडल को रखना है। तो पहले यहां पे आपको इरेजर टूल में जाकर आपको हार्डनेस ओपेसिटी थोड़ा सा कम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से इरेज करना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड ऊपर से भी थोड़ा इरेज कर देना। ओके सो ये ऊपर से ज़्यादा इरेज नहीं करना आप सभी को, ठीक है। ऊपर से मतलब कितना जरूरी नहीं है, पर हम थोड़ा सा करके देख लेते हैं। बट गाइस यहाँ पे जो हमारी पीछे से कार दिख रही है इरेज करने पे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम इस स्मोक का PNG लगा के काम चला लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे फिल कर देते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे क्या करना आप सभी को, अभी इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे तक मतलब आपको कार तक ही करना है बस यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना डन। अब गाइस आपको जाना है दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ले लेना आपको स्मोक का PNG, ठीक है। इसको लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है इसका, एंड फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से। एंड नीचे की तरफ ले जाके गाइज आपको फिर क्या करना है, आपको जो पॉइंट दिख रहा है गाइज आपको सिंपली इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड इसके बाद गाइज थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं। एंड गाइज उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे इरेजर टूल में, ठीक है। उसको हम यहाँ से इरेजर टूल में लेके चलते हैं। एंड ऐसे गाइज इरेजर टूल में जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे से जो हल्का हल्का एरिया जो इरेज कर देना है, हार्डनेस को ओपेसिटी कम करें थोड़ा सा, नीचे नीचे से इरेज कर देना है। इतना कर देने के बाद गाइज आपको फिर क्या करना है, अब आप सभी को जाना है गाइस दोबारा, थोड़ी पहले डन कर लेना, फिर जाना आप सभी को ऐड फोटो में, ठीक है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको लेना है लाइट का PNG। फिर लाइट का PNG लेने के बाद गाइस यहाँ पे आपको पहले करना है इसको स्क्रीन। एंड गाइस उसके बाद आपको पहले यहाँ पे रखना है इसको कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो पहले आपको साइज इसका बड़ा कर लेना है, ओके। मतलब गाइस साइज पहले मत बड़ा करना, पहले आप सभी को जो इसका पॉइंट है ना इसको पहले आपको पतला करना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। फिर उसके बाद आपको साइज इंक्रीज करना है, ओके। सो इसके बाद आपको इससे क्या होगा कि आपकी जो पैंट है जो गाइस उसके ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर जो इसकी लाइट आ जाएगी। फिर आपको डुप्लीकेट करके सेम चीज वैसे ही आपको दूसरी जगह पे ऐसे रख देना है, ठीक है। तो वहाँ पे अभी हमारी फोटो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, अभी इसको हम डन करते हैं। तो अभी उसके बाद ऐड फोटो में जाकर आपको गाइस ये लेना है लोगो का PNG, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना ब्लेंडिंग मोड में, इसको कर देना स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस आपको साइज रखना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको साइज कुछ इस टाइप से ऊपर ले जाना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आपको सबको क्या जाना है, थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेना है। फिर जाना है इरेजर टूल में, आपको यहाँ पे हार्डनेस फुल करना है, साइज को अपने अकॉर्डिंग रखना है। फिर आपको फोटो को जूम करना है, यहाँ पे फटाफट से इरेज करना है, ठीक है। जो जो एरिया नहीं चाहिए वो हमको इरेज कर लेना है, बेसिकली जो ऊपर ऊपर एरिया आ रहा है वही नहीं चाहिए होता है हमें वैसे तो, पर ऊपर ऊपर का इरेज कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या करना है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ, पहले इसको हम करते हैं फटाफट। ओके गाइस, सो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पे इसकी ओपेसिटी फुल कर देना है। ओपेसिटी फुल करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आप सबको गाइस जाना है ऐसे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाना एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको टेम्परेचर मिलेगा, आपको टेम्परेचर थोड़ा सा माइनस कर देना है, फिर थोड़ा ब्लू टोन में आ जाएगा और सारा बैकग्राउंड जो आपका मैच हो जाएगा। पर इरेजर टूल में जाकर आपको कन्वर्ट करना है, एंड ब्रश लेकर आपको नीचे नीचे स्मोक वाले एरिया में आपको ऐसे पेंट करना है, ठीक है, बस नीचे नीचे स्मोक वाले एरिया में। फिर इतना करने के बाद आपको सिंपली इसको यहाँ पर डन कर देना है, ठीक है। ओपेसिटी जो है आ रहा है 31 तक कुछ रख लेना, एंड कर देना डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइज आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको फोटो को कर लेना सेव। एंड इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद गाइज आपको पहले ऑटो वाले का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर आपको जाना है गाइज यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन में, इसका एक्सपोजर कर देना आपको यहाँ पे कम, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको जाना कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको जाना मिक्स टूल में, यहाँ पे आप सबको सिलेक्ट करना है यहाँ पे येलो कलर सॉरी ब्लू कलर। एंड उसके बाद ब्लू कलर का यहाँ पे आपको ह्यू चेंज करना है, ठीक है। आप डार्क ब्लू या स्काई ब्लू दोनों में से कोई भी कलर रख सकते हो जो आपकी चॉइस है। फिर आपको जाना येलो कलर में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है। फिर गाइस जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस, ल्यूमिनस प्लस, ठीक है।
फिर इतना कर देने के बाद आपको लेना है रेड कलर, आपको ह्यू माइनस करना है, सेचुरेशन प्लस करना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको जाना है यहाँ से ग्रीन कलर में, इसका सेचुरेशन माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको करना है डन। अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है इस थ्री डॉट थ्री पॉइंट वाले कलर में, फिर आपको शेडो के सामने जो पॉइंट है इसको नीचे कर देना है, एंड उसके बाद आपको सेचुरेशन बढ़ा के आपको ह्यू जो है आपको ये यहाँ पे ब्लू टोन में ले जाना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपसे वो जाना है फिर यहाँ से मिड टोन में, मिड टोन को भी आपको गाइज ले जाना है, पहले सेचुरेशन बढ़ा लेना है फिर ह्यू को ले जाना है ब्लू टोन में, ओके। इतना करने के बाद आपको जाना है यहाँ से हाईलाइट में, आपको इसका सेचुरेशन बढ़ाना है एंड हाईलाइट को ले जाना है ब्लू टोन में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लुक आ गया हमारी फोटो में। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी है आपको उसको बढ़ाना है, एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है गाइस, क्योंकि विग्नेट जो आपके अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि आपको किसी को चाहिए होता है किसी को नहीं। तो नीचे से थोड़ा हाईलाइट बढ़ा के आपको फिर जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस बढ़ाना है, नोड रिडक्शन बढ़ा देना है, कलर नोड रिडक्शन को भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं फोटो का रिजल्ट जो है आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस मैं मिलता हूं सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।